कैन यू द रिकॉर्डिंग प्लीज। पार्ट टू यू आर सेइंग कि पारादीप पोर्ट, इट्स नॉट पारादीप पोर्ट, विच पोर्ट इज देयर? वाइजैक, विशाखापट्टनम। हाँ सर, शायद यही है, विशाखापट्टनम। एनीवेज चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कोई बात नहीं। सप्तऋषि फॉर्म्स द कॉन्स्टेलेशन ऑफ बिग बेयर। हाँ सर, सर ये उड़ीसा मेजर का है, बिग बियर का नहीं है। और लेकिन जो भी है, थर्ड लॉ ऑप्शन देखे, इसमें लिखा एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड अर्थ, ये तो गलत है। रॉन्ग मार्स है। एंड जुपिटर होना चाहिए। तो हाँ थर्ड जी, ऑप्शन आंसर। काटने, थर्ड ऑप्शन काटने से 1-2-1-2 आ गया। अब फोर्थ देखना है, हाँ, लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज सेरिस, तो मैंने बोला हो तो मैंने सकता है वन, 1-2-4। हाँ हाँ, मैंने 1-2-4। मैंने भी 1 2 4 मारा है। मार्स हो गया था सर, नहीं, 3 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। मैंने धरती कौशिक और मार्स ने बोला। के बीच में कहाँ देखिए आपने एस्ट्रॉइड बेल्ट? हाँ सर, वो जुपिटर एकदम से मार्स मार्स और जुपिटर है वो। चलिए आगे, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर सर चिनुक, चिनुक हाँ चीनी, हेलीकॉप्टर यूएस से आता है, तो चिनुक हाँ वहीं पर होगा, तो दिया हुआ नहीं था यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। सिरोको अफ्रीका हाँ से, और फिर सीमुम एशियाटिक एंड अफ्रीकन डेजर्ट, तो सी सर, का यहाँ फोर्थ। पे अगर एक चीज पता हो ना, माउंटेन ब्रीज कैटाबेटिक विंड होती है, तो आंसर आ जाएगा। हाँ, मैंने भी इसी से निकाला है। ए का 2 है, ए का 2 इज बी, आंसर है। बी बी मैंने फिर सेकंड ऑप्शन। सिरोको को, सिरोको इसको अब क्या, डायलॉग जो सीमुम है क्या, वो भी पता होने चाहिए, हर बार कैटाबेटिक और हर बार माउंटेन ब्रीज नहीं आएगा। चलिए बी नेक्स्ट वन और क्वेश्चन सी फोर में से चिनू थे, हेलीकॉप्टर से आता है, डी तो वन और कहाँ से सी आया? फोर D1 C4 से किया ना, सिरोको तो इस तरफ है ना, ऊपर तरफ हाँ जाता आगे चलो, आगे क्यों नहीं चल रहे, तुम तो अटक जाते हो। एंजल फॉल्स, अब इसमें इसमें सर। नियाग्रा, हाँ, नियाग्रा हो आगरा गई यूएसए, कनाडा। यूएस हाँ कनाडा में लगाते ही आंसर आ जाता है। और हाँ दूसरा चीज सर, वेनेजुएला जो है उसमें ऐसा नाम नहीं रहेगा, नियाग्रा विक्टोरिया योसेमाइट ऐसा नाम नहीं था, चलो तो नियाग्रा फॉल्स का मैंने यूएसए वैसे कनाडा देखा विक्टोरिया सब नाम रहने वाला है, ये सब इलाका कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका, पर यूएसए। हाँ, तो सी का फोर, चलिए डी ठीक थ्री है, ठीक है। ए चलिए आ खेला गया, होगा, आसान है ए बहुत, बहुत आसान क्वेश्चन। रोडेप ये डिस्कस किए थे न्यूज पेपर वाले में, तो इसका दोनों आंसर है, बी हाँ आंसर सर, है ना, सी आंसर है ना इसका, सी सी। आंसर मैंने। हाँ, वो होता है कि एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटी एंड लेवाइज ऑन द एक्सपोर्टेड MIES गुड, को रिप्लेस करने वाला है ना रोडटेप। वो नहीं पता। रोडटेप में एग्जेम्पशन मिलता है कि थोड़ा इंसेंट, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी थोड़ा सा पे करना पड़ता है, कंप्लीट एग्जेम्पशन तो नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। लिखा नहीं मानती, कंप्लीट सिंपल लिखा हाँ, है एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन लिखा उसे, एग्जेम्पशन मतलब कंप्लीट एग्जेम्पशन ही होता है, पता नहीं, वो तो देखते हैं। तो मैंने इसलिए इसको गलत मार के, मैंने तो दोनों गलत एग्जेम्पशन मार का के। मतलब है कंप्लीट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन हाँ का मतलब है कोई चवन्नी नहीं देनी आप, ये ठीक गलत है। होगा सर मेरे हिसाब से, कुछ एग्जेम्पशन अमाउंट कटता होगा मतलब। देखो, अरे पहले ऊपर स्टेटमेंट पढ़ो ना तुम, रेमिशन है वो ड्यूटीज ऑन टैक्सेस, हाँ तो उस पे एग्जेम्पशन कैसे मिल सकती है पूरी? रेमिशन मतलब कि थोड़ा कम हो गया, जैसे तो रेमिशन देखो, ऑफ प्रिजन इम्प्रिजनमेंट भी होता है, तो वो ये जो रिड्यूस पहला होगा। स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस, एंड ये फंसती है हाँ उसने, एग्जेम्पशन नहीं है। गलत है सर, और दूसरा भी मैंने गलत मार्क किया कि WTO कंपैटिबल नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ इशू है वहां पे, तो इसलिए मैंने डी मार्क किया, नन इज करेक्ट। ओके, देखते शाबाश खिलाड़ियों, पीसीए सुपरवाइजरी आसान। नॉर्म्स एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट NBFC, तो मैं सोचा कि मैंने पीसीए हो, करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट होना होगा। हाँ, चाहिए, डिस्क्रिप्शन अंदर पीसीए इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैंक एक्सपेंशन, हो सकता है मैंने बोला, सही है, क्योंकि ट्रू बैंक ये तो सिस्टम है कर रहे हो तो ही, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ रहे, तो आप कंट्रोल करने पे। बिल्कुल, दोनों क्या बोला, करेक्ट। बेटा 34 34 हो जी चुका है सर, 34 टू एंड थ्री लगाया सर, पहला नहीं टू हो एंड सकता थ्री क्योंकि लिखा है सही है सर, एटलीस्ट टू हंड्रेड एंड करोड़ थ्री यार, टू दो ही एंड थ्री सेंटेंस का प्रवेश, तो दो ही है यार, इसमें 34 वन एंड टू क्वेश्चन एंड थ्री लगा आते दिया। हैं सर, 35 देख रहे हो ना आप, 34, 34 में सर सी बोला तो आंसर, दोनों आंसर। बहुत मेहरबानी आपकी, चलिए नेक्स्ट 35। इसमें सर 100 करोड़ लिखा हुआ है कि कम से कम 100 करोड़ लेके भागा तो ही हाँ फ्यूजिटिव इंडिक्स हाँ होगा, ट्रू, नहीं होता होता है है, ये, होता होता है, है, हाँ होता है ये, होता है पता नहीं सर गलत हो गया।
इसमें मतलब फर्स्ट कि जब रेट है। भागा था ना तो क्वेश्चन उठा था कि 100 करोड़ क्यों, तो ये मुझे याद है कि होता है ऐसा हाँ हंड्रेड होता करोड़ है। का जीपीएससी में ही आया है। दूसरा अंडर द एक्ट अथॉरिटीज आर लिखा हुआ है एम्पावर्ड कि टू कन, नो कन्विक्शन, कन्विक्शन हैज हाँ नो नो ओके, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कन्विक्शन कॉन्फिशेट कर सकते हैं, करते कन्विक्शन भी नहीं है, तो मैंने टू गलत मारा। करते भाग जाओगे करते हैं तो 1 और 2 करेक्ट है। मैंने थर्ड गलत मारा सर। FIU मेरे हिसाब से नोडल एजेंसी नहीं है आई थिंक। ठीक है, इसमें मैंने तो मुझे वन एंड पता थ्री नहीं मार्क जो किया था सर। मैंने 1 और 2 किया सर। 1 और 2 तो 100% करेक्ट है, तो 3 में डाउट था तो मैंने इसलिए 1 और 2 ही किया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इज द नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट द एक्ट। अब नोडल एजेंसी कौन सी है, देखो इसको, फिजिटिव इकोनॉमिक की फाउंडर है, FIO होगा ना, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होना चाहिए इसके लिए। हाँ तो सर हो सकते ये सी फ्रॉड नहीं है इन्वेस्टिगेशन नोडल, नहीं है, नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस तो होगा भी, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट तो ये तो हाँ डायरेक्टर इंटेलिजेंस पार्ट प्रोवाइड है, करने के लिए होता है सर। तो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है ये कैसे होगी, ये क्यों ये करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग देखता है सर, बस एक ही काम है इसमें। चलिए नेक्स्ट, रेगुर सॉयल ब्लैक सॉइल हो गया। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, हाँ सर, रिच इन आयरन पोटैश एंड फॉस्फोरिक कंटेंट। सर ये जहां पर तो पोटास, इंडिया की सोइल में, वहां फॉस्फोरस नहीं होगा। जब फॉस्फोरस होगा वहां पोटास नहीं होगा, तो सेकंड गलत है। फोर्थ सेकंड शीट में वाला लिखा, गलत, तो 3 और 4 करेक्ट होगा। 3 और 4 आंसर है सर इसका, क्योंकि इसमें चलिए लिखा हुआ है डेक्कन प्लेटो में मिलती है, लावा फ्लो होता है। सही बात है, तो रेगुर सोइल करेक्ट और है, हो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास लाइम, इसी वजह से सर इसका सकता जो कंटेंट होता है वो डिफर करता है बाकी की सोइल से। तो 3 और 4 है। ठीक है, पोटैश और फॉस्फोरिक अलग मैंने, अलग होगा ना। हाँ चल आप देख रहे हो, यही था सर। जो 2 है या 4 है उनमें से एक ही करेक्ट होगा, तो जी 2 साथ में नहीं हो सकते तो डी एलिमिनेट हो गया, और चलो 3 नेक्स्ट, होगा ही होगा, तो 3 4 या 2 3 में से करुणा एक भी होगा। बोल रहे थे कुछ पे, बोल रहे हो करुणा? 3 और 4 ही किया मैंने, वही करेक्ट लग रहा था। लीचिंग नहीं होता है क्योंकि इंटेंस लीचिंग लिखा है फर्स्ट में। हाँ इट्स ओके मूव ऑन, कोई बात नहीं। रेड एंड येलो सॉयल इन इंडिया, हाँ इसमें सर मैंने 3 4 किया है। पहला बोल रहा है डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, ये तो नहीं हो सकता, बट 3 4 पहला भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता, 2 और 3 होगा, क्योंकि बोल रहा है कि रेड एंड येलो सॉइल, तो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है तो येलो हो जाती है, मतलब सूख जाती है तो पीलापन आ जाएगा, और रेडिश होती है, आयरन रिश्ता रहता है उसमें जो रॉक का वो होता है, तो 2 और 3 सही है। और वन तो गलत वन है, टू पूरे थ्री पूरे गलत है, तो वन ही सही मेटामॉर्फिक किया। रॉक होते हैं। रेड एंड येलो सॉइल मेटामॉर्फिक रॉक्स और सर होते हैं। सल्फर लिखा हुआ है सर, तो सल्फर का कहाँ से मतलब रिलीज होगा, कोई सोर्स भी नहीं होता है ऐसा मिट्टी के अंदर नहीं कि ऐसा नहीं वहीं बोल से, सकते, लेकिन हो मुझे सकता लगा था है कि 3 और 4 साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेड और येलो अलग अलग, कुछ हाइड्रेटेड मैंने सर फॉर्म में टू है, कोई एंड नॉन थ्री लगाई हाइड्रेटेड सर। फॉर्म है, तो नहीं साथ में नहीं होना चाहिए, तो 3 और 4 साथ में नहीं ये होगा, तो हो सकता है, वन आई गलत थिंक ये है, हो सकता तो 2 और 3 मार्क इस। है जी सर। मैंने टू में टू, मेरे नहीं को मेटामॉर्फिक रॉक्स में डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने 2 नहीं मार्क किया। मैंने थ्री होता है वो फोर मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो यहाँ पे सर पेरी, अगर नॉर्थ अमेरिका पता है तो आंसर आ हाँ जाता है। हाँ वेल्ड का साउथ अफ्रीका है, फिर हाँ पैम्पास का ब्राजील, कंपोस पास का ब्राजील अर्जेंटीना, है और क्या कंपोज का साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना मतलब हाँ साउथ अमेरिका। नेक्स्ट जेट स्ट्रीम अपर लिखा हुआ जेट लेवल स्ट्रीम वेस्ट टू का ईस्ट, वो वेस्टर्ली नहीं होता है, ईस्टर्ली होता है हमेशा जेट स्ट्रीम, तो गलत हो गया। और ये सर वर्ल्ड वॉर टू वेस्टर्ली के टाइम होता है, पे, नहीं ईस्टर्ली वेस्ट टू ईस्ट वेस्टर्ली होता है, होता है, वेस्टर्ली वेस्ट होता है। टू हाँ ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट वेस्टर्ली हुआ ना, जहां से आता है उसको डिफाइन किया जाता है, वेस्ट से आ रहा मतलब इसमें पहले वेस्टर्ली, वाले में ये था मियांडरिंग नहीं होती आई थिंक इतनी ज्यादा जेट स्ट्रीम्स में, ऐसे होता है, मियांडरिंग पाथ ऐसे जब ज्यादा होता है। पूरा हो तो जाता है तो रॉस्बी वेव हो जाता है, पता नहीं करूँ ना क्या वो, आंसर है इसका, मैं पहला गलत मार्क किया है। पहला दोनों सही मार्क के, करेक्ट है, बेस्ट अर्ली होता है और मियांडरिंग भी करता है फॉर्म वो, देखो इसमें डाउट हो रहा था तो सेकेंड वाले मैंने मार्क किया कि करेक्ट किया होगा, मैंने। क्योंकि एरोप्लेन पहली बार यूज हुआ है ना वर्ल्ड वॉर टू के समय में, तो उनको पहली बार लगा होगा कि जेट स्ट्रीम नाम का कुछ चीज़ है, द फर्स्ट अप्लाइड टू हाई वेलोसिटी, तो सेकेंड वाला मैं मार्क के। ओके चलिए ये नेक्स्ट, टू इसमें इट सर इज ए पहला रिन्यू ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ बिलेट गलत क्रॉप, होना चाहिए। पैरा लिखा हुआ ना, मोस्टली ग्रोज ग्रोज वेल इन ब्लैक हाँ सॉइल रेन फेड क्रॉप, बिल्कुल मैं तो ये तो हर जगह हो सकता है,
ब्लैक में होगा सोल, तभी तो हम लोग प्रमोट कर रहे रागी को, मिलेट है हाँ तो सेकंड सही होना चाहिए, फर्स्ट गलत होना चाहिए। इसमें सर पहला छोड़कर सारे सही हैं। हाँ टू हाँ थ्री फोर हाँ में सर। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें मैंने देखा कि जो पिंक हेडेड डक डिस्कस किए थे मानसी कि वो गायब हो गया, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज मैंने मार्क कर दिया डी एंड फोर, पता नहीं ये सही है कि नहीं, बाकी ऐसे सब बैठ रहा गलती था। हाँ मैंने इसका सर जो एंडेंजर्ड है ना लायन टेल्ड मैकॉक नीलगिरी वो हाँ गलती है ए थ्री एंडेंजर्ड है। ए को थ्री लगा के आंसर आ जाता है। ए कैसा है आंसर है सर। ए थ्री तो बी में भी है। सर एंडेंजर्ड को अगर लायन टेल्ड मैक लगा रहे हो उसके बाद सर बचता है। हाँ सर एक और इसमें निकालना पड़ेगा वो सर पिंक हेडेड डक और ब्लू शेप। तो पिंक हेडेड डक सर रेयर है मतलब हाँ ऐसा नहीं है लेकिन कि एक ही है एक्सटिंक्ट हो तो गई रेयर है एक्सट्रीम कौन बहुत सा है? मिलती ब्लू मिलती है। शीप, एक्सटिंक्ट है सर ये अपना डी का टू ब्लू ब्लू शीप वो शीप नहीं मिलती है। लद्दाख में पहले मिलती थी अब पिंक नहीं है। तो एक्सटिंक्ट होना चाहिए ना रेयर नहीं। ब्लू तो शीप, हॉर्नबिल जो है दैट इज वल्नरेबल ना। डेजर्ट शीप और हॉर्नबिल ब्लू वल्नरेबल शीप है तो बी है का। लीस्ट कंसर्न है, ब्लू शीप लाल भरल है, भरल ब्लू शीप। पिंक हेडेड डक है जो बहुत मतलब नहीं सर इंस्टिंक्ट है अगर इंडिया में। लीस्ट लीस्ट कंसर्न है भी ब्लू शिप तो कौन सी कैटेगरी में डालेंगे आप या तो अरे तो सारी रेयर ऐसी तो बोल दोगे, आपको आप तो एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट तो कैसे बोल हो जाए, दोगे। एक्सटिंक्ट में तुम कंपेयर मैं कर रहे रेयर हो बोल रहा हूँ सर। हैं? देखिए हाँ रेयर रेयर तो में मैं तो कहें, गलत ही हो गया यहाँ सर तो कर फिर रहा है यार, कमाल की बात कर रहा है। गाय भैंस जो तेरे घर के आसपास हैं उसको कहाँ डालेगा तू, कहीं नहीं डालेगी इनमें से भी जो वो। पिंक हेडेड डक है ना सर, इट इज लार्ज डक दैट वॉज वंस फाउंड इन पार्ट हाँ ऑफ द वो गैंगेटिक प्लेन महाराष्ट्र बांग्लादेश, लेकिन अभी फियर्ड एक्सटिंक्ट सिंस 1950s। तो हाँ फिर डी फोर डी का डी फोर आंसर हो, होना चाहिए इसका फिर सर। गलत है डी ना का ये। फोर हुआ ना, डी आंसर अरे कैसे हुआ? डी फोर डी डी का का फोर आंसर भाई तो डी डी आ रहा है ना अभी लिखा हुआ डी का आया। भाई। तुमने क्या मारा? मैंने सर ए मारा है तुम इसमें। मैंने भी ये लगाया तो सर ए कैसे मार बी दिया। इसका ही लगा है सर, ये बी है इसका आंसर, अभी याद दिलाया ना औशिक ने, बोला भी था हमने ये हमने आएगा क्या कोई हाँ सर। आंचल भी यही कह रही है। ए नहीं आएगा, बी होना ए ही चाहिए सर। लगाया ए सर, है ए इसका। ही सबने लगाया, ए ही लगाया सर, ए है। ये लगाया सर तो सर आंसर फिट हो गया। इंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकाक वल्नरेबल स्पीसीज, चलो बी वन, डी कि डेजर्ट शीप इसमें एंड हॉर्न बता कि एक्सटिंक्ट कौन सा है वो बस रेयर बता दो। स्पीसी। पिंक इसमें हेडेड पिंक हेडेड डक में ये था या तो ये रेयर होगा या ये एक्सटिंक्ट होगा। तो ब्लू देख शीप को मैंने फिर एक्सटिंक्ट किया और रेयर किया पिंक हेडेड डक। तो ए मैंने वन भेज रहा हूँ पीटी वाले में, हाँ ब्लू शीप आ एक्सटिंक्ट नहीं गया है कोई ये नहीं सर ने। देख लेंगे बाद में। दिखाओ तो दिया इसमें ये भी बात। तो हो गया ना जो वनरेबल है वो हॉर्न भी होगा तो उससे भी आंसर निकल रहा है तो भी वो ए में हाँ ही जा। बी का वन है। नहीं बी का वन तो दो में है ना ए या सी में है। बी का इसमें भी वन सर है। मैंने भेज ए दिया सर, लगाया है ना सर मेजोरिटी ने ही हाँ लगाया है। मतलब ए आई गो ही बाय लगाया बी, आई गो विद बी, डाल दे बी। सर ग्रुप पे। सर बी ठीक है चलो सर। इसमें सर करंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरियाज मेजर्ड एट द एंड ऑफ 3 months। ये तो मैंने सोचा वीकली भी कि होता है वीकली हाँ स्टेटस तो मैंने ही नहीं जो होता थ्री गलत मंथ मार रखे, है। और PLFS अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग तो ये भी गलत मार्क किया गलत है मैंने मैंने सर। कि मैंने ओनली 1 लगाया है क्योंकि सेकंड तो सर पूरा ही गलत है। बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हाँ। रेट और पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन हो रहा है तो नहीं बढ़ रहा है। तो और अभी ये 3 महीने का होगा मतलब एट द इंटरवल ऑफ क्योंकि करंट वीकली पूछा हुआ है कोई ज्यादा बड़ा नहीं पूछा। करंट वीकली मतलब 7 days के बाद उसके बेसिस पे ही होता है ये तो। चलिए नेक्स्ट, कोई नहीं सर इसे चेक कर लेंगे एक बार। न नबार्ड पे आइए। ये वाला स्टेटमेंट ठीक है उसमें ये सेकंड सही है ना वाला। ठीक है सर। द डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज इन नबार्ड सिडबी एंड एग्जिम बैंक, सही है सर ये। मतलब हो सकता है इस विद इन इसमें सर सिक्स टू मंथ भी सही है थ्री सही नहीं है क्योंकि थर्ड में तू बोल में रहा कि लेंडर जो है वो गारंटर के साथ प्रोसीड ही नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट मतलब विदाउट एग्जॉस्टिंग रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर। मतलब उसको सर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको दबाने वाली बात है। तो ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने टू कौन एंड थ्री लगाया मार्क किया ठीक इसमें। तो इसमें मैंने 1 एंड 2 मार्क बाबूली किया, मानसी बता दे कि मैंने कैसे नहीं है थर्ड मतलब टू एंड थ्री किया है। वन वन एंड टू कैसे मैंने क्या सोचते मतलब। वन का मेरे को था नाबार्ड में बतानी आई थिंक ले सकते नहीं ले सकते विलफुल डिफॉल्टर्स नाबार्ड क्योंकि नाबार्ड डायरेक्ट लेंडिंग में हाँ डायरेक्ट लैंडिंग करता है है वो, ना। डायरेक्ट डायरेक्ट लेंडिंग लैंडिंग, डायरेक्ट लैंडिंग करता है नाबार्ड। डायरेक्ट लेंडिंग कहाँ करता है। आप ऐसे जाके नाबार्ड से लोन नहीं ले सकते ना सर डायरेक्टली। नाबार्ड से मानसी अगर कंडीशंस मैं होती किसान हूँ, अगर मैं पॉलिसीज होती किसान है। हूँ
अगर मैं किसान हूं, मुझे डायरेक्ट लोन नहीं मिलता, मुझे इनडायरेक्ट लोन तो दे ही रहा है ना नाबार्ड, वो नबार्ड बात हो डज नॉट मैं बोल ऑफर डायरेक्ट लोन। हाँ तो इनडायरेक्ट लोन देता है, लेकिन यहाँ पर पूछा डिफॉल्टर, अगर इनडायरेक्ट भी लिया तो बिल्कुल डिफॉल्ट कब भी कर डिफॉल्टर यार, सकता बड़े बड़े उसके केस के लिए है ये सब, ये जो लिखा है ना, एंड लार्ज डिफॉल्टर डायरेक्शन, किसान को आप नहीं ला सकते इसमें। सर। सिडबी और एक्सिम जो है उनकी भी तो है सर बात, अरे सिडबी और एग्जिम भैया एमएसएमई और दुनिया भर की चीजों को देते हैं, कोई नहीं सर इसको देख लेंगे ठीक तो फिर सभी की तो बात करेंगे सर, एक के पीछे दोनों थोड़ी है, गलत एक के हो पीछे ही जाना मतलब सर चाहिए वही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ? सर थर्ड ठीक है, इसमें गलत है, ठीक है थर्ड गलत है टू मेरे हिसाब से तो थ्री, इसमें। मेरे हिसाब से 2 3, पहले लेंडर कैन नॉट प्रोसीड मान से अगेंस्ट इसमें द डाल लेंडर, देना एक बार, पहले तो ये तो ये ये तीनों तीनों ठीक ठीक मारे मारे सर, देखते सर। पहले जो आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है पहले वो ही तो पहले सारी को यूज एग्जॉस्ट करोगे करोगे, आप, बाद ही तो आप कुछ और करोगे, डायरेक्टली नहीं बात तो सही। कुछ भी नहीं करने सक सकते, तो 2 एंड 3 में सेंस बन रहा है। कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को मान से उठा के दोबारा से डिटेल डालना, हाँ जी सर, ये वाला सर वही नीचे वाला है इसका अच्छा। रिपीट हो। चलो आइए आइए साइंस का। यहाँ पे सर मैंने एडम स्मिथ को बैलेंस ग्रोथ थ्योरी लगाया तो आंसर आ गया मेरा, मतलब मैंने ऐसे किया है, मुझे क्यों लगाया तूने इसको पता सर? नहीं था सर इसमें, तो एडम एडम स्मिथ स्मिथ, एडम स्मिथ का बैल सर मैंने एब्सोल्यूट एडवांटेज उसको माफ किया, सी, चेक कर दे, वो तो चेक हो जाता है वो तो। मैंने ऑप्शन सी करेक्ट किया है, 1 का बी एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ, लेकिन टू फिर इज इसका थ्योरी बी और सी में मैंने टुक्का ए, मारा बी। मैंने सर डी लगाया था, मैंने सी किया है, चेक क्या करना करेक्ट है? पड़ेगा तो इसका ए होना चाहिए आंसर, चेक ओ किया तुमने करुणा ना, नहीं आंसर की मैं से देख के बोल रही हो क्या करुणा? चेक नहीं किया है, बट फोर्थ का देखा था मैंने, फोर्थ का डी है और फर्स्ट का ए है, तो निकल जाते हैं आंसर उससे, पता फोर्थ नहीं, का टू इन दोनों में है, मैंने सी का किया ए है, टू टू का ए है करूँ। थ्योरी का ऑफ ए। डीप पुश थ्योरी है रोनस्टीन डोडन का, ए टू टू का इज ए, ए तो सी और कनेक्टेड, वही टू का ए और एब्सोल्यूट थ्री का एडवांटेज देखना ना, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, बैलेंस ग्रोथ देखना एक बार थ्योरी, तो, ये सब पहले से देख के रखना चाहिए। ठीक रागनर नूर के टी है होगा, फोर्थ ऑप्शन। डी, सी है इसका आंसर, सही हो गया। तो ये मैंने इसका करेक्ट है बी हाँ, मार्क किया था, कोई नहीं बात सीख है नहीं। गिनी इंडेक्स, ये तो सर थर्ड सेकंड लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ, हायर जितना होगा उतना ग्रेटर गलत हो इनकम गया इनक्वालिटी इक्वालिटी होगा, तो गलत हो गया, उल्टा होता है। तो हाँ, सेकंड से ओनली आंसर थ्री निकल करेक्ट जाएगा, है। लेते हैं। चलिए आ गया पेपर, समझदार हो गया वैसे, ऐसा नहीं है। अब इसमें से लिखा हुआ है कि लिपु लेख लिपु लेख, झारखंड लगाओ तो हाँ आंसर, उत्तराखंड, आंसर निकल जाता है। लिपु लेख लिंपिया लिपु लेख द्वारा मुखिया, नेपाल मैंने के इसको बगल पहले में, निकाला बुर्जल से, बुर्जल कश्मीर और फिर लीपू लेक किया उत्तराखंड, चलो ठीक है निकाल दिया ना, चलो ठीक है, कोई इसके पीछे का डिजिट होना चाहिए, बस गोला ठीक बनना चाहिए। कॉपर निकल आ फिर गया साउथ कॉपर निकल अफ्रीका, का इसका डायरेक्टली था जो आया था कि साउथ अफ्रीका में ज्यादा रहते हैं, तो ए का वन से आंसर निकल गया इसका इसका। सर बी आंसर है जो ओसिंग ने बोला अभी कि कोपर निकल साउथ अफ्रीका, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आमने सामने दिए हुए हैं सारे यार, और दूसरा चीज सर कि लाइमस्टोन जो पत्थरी इलाका है, तो ओंटारियो कॉकेशियस है ना जो वो एक तरह से थोड़ा हाँ ठंड इलाका है माउंटेनियस एरिया है सर, मोन, कनाडा हाँ रीजन है तो, तो फिर अल्जीरिया थोड़ा सा डेजर्ट टाइप है, तो लाइमस्टोन राजस्थान, मतलब ऐसे मैंने जोड़ा कि अल्जीरिया लाइमस्टोन होगा D4। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट, इसमें सब पहला गलत होगा आई थिंक, पहला बोल सल्फर कोटेड यूरिया ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड नीम कोटेड, हाँ नीम इसमें कोटेड सल्फर यूरिया नहीं भी होता, नीम कैनेडा कोटेड में ही होता है, उसको नीम सल्फर कोटेड यूरिया बोलते डेफिशिएंसी, हैं, तो पहला सल्फर गलत, डेफिशिएंसी दूसरा सही है, दूसरा पहला गलत, मैंने सही मार्क किया, फ्लाई चलिए फ्लाइंग स्क्वाड सही है वो। क्रॉप वाई नेक्स्ट रिकमेंडेशन चलिए करें। ओनली नेक्स्ट, टू आईएफसी इंटरनेशनल इज अ फाइनेंस, ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो मैंने इसको गलत मार्क किया है, वो ऑर्गन नहीं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ऑर्गन है, वर्ल्ड बैंक का थोड़ी है बात आईएफसी। तो वही बोलेंगे ये, इसमें ऐसे ही बोलेंगे, बट प्राइवेट सेक्टर ओ फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करता आई थिंक, सर ऑर्गन तो है लेकिन प्राइवेट सेक्टर को नहीं देता है, हाँ गरीब बात हो गया, कंट्री सच है, है, गलत अंडर डेवलप्ड सोच के बच गए, लिखा देता है, है आप तो इतना सोचे ज्यादा, आप थोड़ी देर बाद बोलेंगे कैपिटल में नहीं लिखा है स्मॉल में लिखा था, अरे भाई स्टेट सर्विसेज का पेपर है ये, तो सर टू एंड थ्री आईसीएफ। करेक्ट है, रूरल फाइनेंशियल सर्वे आरबीआई करता है, और आईसी मोडी तो स्विट्जरलैंड में सर पहाड़ी एरिया है, तो वहां हाँ पर पहाड़ इसमें के ऊपर इंडिया का पेंटिंग फ्लैग भी चढ़ाया था पिछले साल, तो इस वजह से टू एंड थ्री कर,
बहुत हाँ बढ़िया जी, भाई, चलिए नेक्स्ट। ये वाला सर, आयरन ओर फेमस है नौमुंडी में, तो ए का 3 तो आंसर निकला नहीं इससे, तो फिर बाकी फिर इसमें सर दूसरे दिन। मैंने डी लगाया, और सर उसका आयरन ओर मैंने लगाया था इसमें बालाघाट, और हमारे आयरन पास ओर तो सर नौमुंडी है पक्का, हमारे आयरन ओर मैंने भी नौमुंडी। सर मैंने बॉक्साइट लगाया है। मैंने बॉक्साइट भी का सर है डी और सी। अमरकंटक होना चाहिए हाँ बॉक्साइट का अमरकंटक ये मैं, हाँ सी ये था मैं सर। गलत तो हुआ, सी का मैंने टुक किया था। क्या आंसर बन रहा है फिर इसमें? इसका ये ए ये बन होगा रहा है, आंसर, ये ए है बन सर रहा है, आंसर, मैंने मैंने सी मार्क किया क्योंकि ऊपर डी नीचे मार लगाया गया, था। कॉपर माइन का इसमें सर। क्या क्या डी क्या सर? सर मैंने भी इसमें ए का डी जो है ना आयरन मैन तो नौमुंडी, उसे ए और सी में ऑप्शन चूज करना है, और डी का 4 है, माइका का और नेलो, बाकी बचा कॉपर माइंस और बॉक्साइट का, इसमें मैंने ऊपर नीचे मार्क किया बालाघाट और इसमें, तो आंसर इसका ए ठीक होना है। चाहिए। आ जाइए एक और, इसमें कॉपर सर सिर्फ टिन और बोल, बाकी सही है, क्योंकि इसमें लिखा है कॉपर लीड टिन बॉक्साइट, तो फेरस तो है ये, तो गलत हो गया ये। फोर मैंने सर 2-3 मार्क किया है। प्रेशियस भी सही है मानसी, क्योंकि निकल कोबाल्ट प्लेटिनियम प्रीशियस मेटल होते हैं। निकल को भी प्रेशियस में कंसिडर करेंगे, कोबाल्ट भी प्रेशियस है, मेरे को हाँ ये डाउट सा। एनसीईआरटी में दिया, 3-4 क्या लगाया चल ठीक सर, वो एनसीईआरटी में दिया, वो स्टेटमेंट सही है, 2-3-4 आएगा। है। इसमें 2, 3, 4 मैंने 2-3 किया। तो पहले वाला में लिखा हुआ है कि नॉन फेरस मिनरल है, नॉन फेरस ही ना हो पहले वाला, पेरिस नहीं हुआ, कॉपर कैसे हो गया मतलब? और टिन, टिन टिन, टिन कैसे नॉन फेरस में आ जाएगा? टिन तो फेरस होना तो टिन चाहिए। में तो मिलाते ही हैं फेर, मतलब वो हाँ एल्यूमिनियम वगैरह सब आयरन। मिलाते हैं टिन में। तो हाँ उसका, बाकी तो हाँ नॉन फेरस है, टिन ही है टिन ना, लेड फेरस भी है। एसएन है ना, टिन तो एसएन। एसएन हो गया सर, लेड पीबी हो गया, बॉक्साइट का एल्यूमिनियम हो रहा है वो बॉक्साइट, हाँ Al2O3 L2O3 बोला, ठीक है तो गलत हो गया ना सर, पहले पहले वाला वाला, चलिए पहला गलत हो गया, ठीक होना चाहिए क्या पहले वाला Al2O3। कह रही हो करुणा? सर ठीक होना चाहिए, नॉन फेरेस ही होते हैं। टिन, टिन भी नॉन फेरेस है। आयरन कैसे होता है मतलब ग्रे में मतलब क्या होगा, हुआ, जिसमें आयरन ज्यादा होगा ना, तो आयरन हो होना ज्यादा नहीं, चाहिए। आयरन होना अरे चाहिए। नॉन फेरस मिनरल मतलब मिनरल में आयरन आयरन है ज्यादा ही है, नहीं, अरे तो मेरे हिसाब से नॉन ट्रू है, फेरेस में आयरन है ही नहीं मेरा ट्रू इसमें, होना चाहिए सर पहला वाला, फिर तो टिन में आयरन कहाँ से आ गया? एसएन है होते वो, हैं जिसमें तभी तो आयरन सही है, है, नॉन फेरस लिखा है ना, नहीं आयरन है, नहीं है। हाँ सही है, फर्स्ट सही है। चलो तो मैं नेक्स्ट। तो और पोटैश लिखा हुआ है हाँ नॉन मेटालिक मिनरल, तो पोटैश तो के होता है ना सर, पोटैश पोटाश बोला नॉन मेटेलिक है। हाँ नॉन मेटालिक ही होगा, पोटेशियम। देख लेंगे भाई इसको थोड़ा डिटेल में, अभी साइंस में कंटेन उठा लेंगे तो पोटेशियम इन वाटर सोल्यूबल फॉर्म, पोटेशियम, पोटेशियम तो मेटल हो गया सर, नॉन मेटेलिक पोटेशियम की मेटल का पोट। सर, पोटैश में, पोटैश कंटेन्स माइंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट पोटेशियम इन वाटर सोल्यूबल फॉर्म, ओके कोई नहीं, मतलब वी'ल चेक। जिनमें नेचुरली मेटल नहीं होता तो जैसे मैंने पोटेशियम 3 भी ही। गलत मार्क किया इसमें, तो 1 और 4 चलिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं, 3 होना चाहिए। चलिए चलिए नेक्स्ट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 62, गलत 63 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 65। गलत 66 ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, 59 सर मैंने ओनली 2 किया सर, ओनली 2 पेयर करेक्ट होने चाहिए। ये मैंने टू बहुत मार्क किया था। स्पेसिफिक, तो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था सर कि इलेक्शन एकदम से कैसे आ गया 62 के बाद। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, मूव ऑन। इनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ सर ये सही लगाया मैंने, तीनों। मैंने ये नहीं किया सर, हाँ सर ये मैंने बिल्कुल किया, ये पता नहीं क्या है सुप्रीम कोर्ट इसका। ले में कर लेंगे अभी आगे, तो इसमें सर सिटी को इंटरचेंज है, ठीक प्रोफेसर, डेंगू जो है पानी से होता है, टाइफाइड ब्लड से होता है, तो बचा रिंग वॉर्म, सिर्फ वही स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ ओनली 1 करेक्ट होगा, यस। जैसे एनारोबिक ब्रेक एनारोबिक में तो तीनों टू एंड चारों थ्री होगा, का चारों लगाए सर, चारों होगा, मैंने तो क्योंकि 2 तो किया सर बस। एटीपी सर उसी ने पढ़ाया था एटीपी साइंस तो में। सर एनारोबिक नहीं होता पूछा ना, है, एनारोबिक वो जब एरोबिक में होता है, एनारोबिक है।
हाँ एनरोबिक बोल रहे हैं, एनरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो लैक्टिक एसिड होता है पक्का, सीओ सीओ2 भी होता एटीपी है। की तो होता है मानती, तीनों बताया था तीनों चारों होगा इसमें। ठीक मैंने तो, 2-3 किया है। है देखो, अभी आचल ने बोला ना, अभी ये एनरोबिक ब्रेकडाउन है, वो एरोबिक ब्रेकडाउन होना चाहिए। एटीपी हाँ सर एटीपी नहीं होता इसमें, एटीपी कैसे हो नहीं जाए? होगा। वो उसमें क्या होगा, जो तुम्हारी साइकिल होती है, क्या कहते हैं उसको, हेक्सा, वो जो साइकिल होती है ग्लूकोज वाली, उसमें आएगा ना एन वो। एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ईस्ट, ईस्ट में प्रोड्यूस इज नहीं एथेनॉल लिख, का ना, ईस्ट नहीं है ना सेल, ए एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बोल रही है। तो नॉट ईस्ट, क्या आंसर हुआ ईस्ट में। फिर, क्या आंसर हुआ? तो एटीपी फोर्थ तो नहीं मेरे होगा हिसाब से नहीं होगा, 2-3 होना लैक्टिक, चाहिए। फिर आंसर क्या बन रहा है इसका? टू थ्री इथेनॉल, होना चाहिए, इथेनॉल, इथेनॉल भी 55 में कहते थी, हैं, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 3। टू और जो थ्री। हम लोग बात करें ना प्रवेश, वो ईस्ट में है, एथेनॉल कार्बन अच्छा डाइऑक्साइड ठीक एटीपी। ओ तो डिफरेंट। है, बात तो एक इम्पोर्टेंट है ना, चलिए टू चलो, थ्री होगा। हाँ याद तो आया कम से कम, लेकिन गलत जगह याद है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। तो सर सॉल्ट्स तो नहीं होगा इसमें, पर चारा होंगे रीअब्सॉर्प्शन ना, मतलब बॉडी में सर सॉल्ट। यहाँ पे बात हो रही है कि फॉर्मेशन, रिलीज नहीं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो उस टाइम तो सर सारी चीजें होती हैं। रीअब्सॉर्ब का बात हो सिलेक्टिवली रहा है, कर लेगा रीअब्सॉर्ब तो कौन सा बाहर क्या कर लिया छोड़ेगा, अमीनो एसिड नहीं सर? छोड़ना, कुछ नहीं करना, यूरिया नहीं बनाना है, हाथ धो रही है भाई। कमाल हो गया, बुद्धि तो लगाइए। यूरिन फॉर्मेशन में कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब की जाएंगी जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल मिनरल हैं, हाँ टॉक्सिक जी चीज को बाहर निकालना है। अब आप हाँ अमीनो, सर, तो अमीनो एसिड भी नहीं होगा, एसिड को क्यों करेंगे रीअब्सॉर्ब? तो हाँ दूसरा ऐसे गलत हो तो गया, 3-4 3-4 या 4 होगा, तो 3 में भी सॉल्ट्स नहीं इसका होगा, पता तो है ओनली सिर्फ 4 होना। इसका 1 2 3, क्या आंसर है? 1, 2 and 3 होगा। 1, 2, 3 कैसे हो गया? अमीनो तो बोरो भाई एसिड को होते एक बार करता रीअब्सॉर्ब करोगे? है रिएक्शन। है? एसिड, नहीं नहीं एसिड और ऐसे सॉल्ट ऐसे नहीं, को रीअब्सॉर्ब करेंगे सर? सॉल्ट तो नहीं एलिमिनेट किए जाते हैं। क्या क्या, मैंने सर 4 किया, ओनली वाटर होगा सर। आई थिंक हाँ वाटर से अगर भी, वाटर ही अब्जॉर्ब हो गया तो आपकी बात कैसे प्रूव हुई? निकलेगा मेरी बात ऐसे प्रूव, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया क्या? तेरी बॉडी में, तो वाटर ही है, देखते हैं सर इसको बाद में। 70% तो वाटर है आपकी बॉडी में, बाकी आपको सॉल्ट और ग्लूकोज तो निकालना है, तभी तो शुगर रिलीज करती है। कितनी सारी दवाइयां हैं डायबिटीज की जो कि टॉयलेट के थ्रू आपका शुगर रिलीज करती है। हाँ सर, एसिड को भी रीअब्सॉर्ब क्यों करेंगे? कोई भी एसिड हो जाए। नहीं वही, तुम तो एकदम मानसी एसिड, तुम एसिड अटैक वाले माइंड में चली जाएगी। तो नहीं एसिड, सर, अमीनो एसिड हो भी चलिए सकता है, ये देखना पड़ेगा। ये ये तो आ गया चारों है, आपका, अमीनो ऑप्शन किसी और दो। फॉर्म में लिखा होता तो मैं कंसिडर पर सोचती। मैं अमीनो जो है ना सर, प्रोटीन को बोलते हैं, तो हाँ प्रोटीन प्रोटीन, को अब्सॉर्ब भी हो जाता है। इसलिए मैंने ये अरे सोचा अमीनो तो किडनी प्रॉफिटेबल में होता है बॉडी प्रोटीन के अगर लिए। ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है, वो आपका जो क्रिएटिनिन रेशियो बढ़ जाता है। हाँ ये सर, इस साइंस में ना जाइए, कोई बात नहीं, आंसर चेक कर लीजिएगा, पर ये चारों रीअब्सॉर्ब ऐसे करने नहीं है। चलिए चारों है, चलिए नेक्स्ट। सर ये सभी एस्पिसिस जी एसिड, हैं। ये मतलब हाँ ये फोर्थ है, होना ये है, चाहिए। बस फोर्थ याद कर ली नहीं इसको। होता ना, मतलब नहीं है, प्लांट प्लांट हार्मोन में है, 100%। इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं ना एब्सिसिक एसिड को, तो इनहिबिटिंग हार्मोन कि ग्रोथ को नहीं होने देता है हाँ एब्सिसिक एसिड, चलिए तो गलत होगा चलिए, फोर्थ। इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं, तो फोर्थ नहीं होगा इसमें। 1 2 3 आंसर है इसका। मैंने आई थिंक 1, 2, 3 किया है। चलिए नेक्स्ट। एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट हाँ स्ट्रेस रेगुलेट रिस्पॉन्स। काम तो करता है, रेगुलेट क्या वन मोर राउंड, तो राउंड ऑफ बता? रीजनिंग क्या है, तो इनहिबिटिंग यानी हार्मोन वन मोर नहीं राउंड ऑफ होता। रीजनिंग, इतना छोटा छोटा चीज है। जी एब्सिसिक एसिड को फायदा कोशिश करूँ कि नहीं होगा। हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, चलिए नेक्स्ट। लेंथ ऑफ एंड स्पॉन, ये डिस्कस किए थे हर्बीवोरस और हाँ कार्निवोरस का, हाँ ये साइंस करेक्ट वाले में। होगा, दोनों ये करेक्ट करेक्ट। होगा, दोनों करेक्ट है। हाँ कि ये नेक्स्ट, पचाने में ज्यादा लगता है समय, इसलिए ज्यादा लंबा इसलिए इंटेस्टाइन हो। संभव ठीक है चलिए नेक्स्ट। एंड इफेक्ट बाइट ऑफ होता है आयरन तो कैलामाइन सोल्यूशन कैलामाइन चाहिए, क्योंकि होगा। बेस हाँ होता है ना, करेक्ट, एंड बाइट में कैलामाइन फॉर्मिक, फॉर्मिक नहीं, मेथनोइक कैलामाइन एसिड। ऐसे हाँ है ना, ऐसे एसिड करके है। ना गर्म है सर इसमें। हाँ हाँ बेसिक थोड़ी होता है सर ये, क्या एसिड है ना, एंड कैलामाइन बाइट एसिड हो गया मेथनोइक एसिड, तो कैलामिन आप रब करोगे तो सही हो चाहिए? जाएगा, हाँ तो बेस चाहिए ना। सही है पहला। और दूसरा गलत होगा आई थिंक, इसमें जिंक कार्बोनेट, जिंक वही नहीं बोल होता रहा हूँ है। ना सर कि ये गलत हो गया दूसरा वाला, इसमें जिंक कार्बोनेट बोल रहा है ना अच्छा वो, तो दूसरा, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत होना पहला चाहिए। करेक्ट है।
दूसरा क्यों नहीं हो सकता? जिंक कार्बोनेट। जिंक लिखा हुआ, आई थिंक कैलेमाइन, अरे कैल तो कैल्शियम हो सकता है आई थिंक बेस क्या, तो। नो नो नो, नथिंग टू विद द कैल्शियम, नो नो नो, दिस इज टू मच, नो नो, ऐसा नहीं है मानसी, नो। तो मैंने इसी से ही किया, आई थिंक पर मैंने जिंक लगाया कार्बोनेट इसी आंसर, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। गलत था, मैंने भी यही सही किया। होना सही चाहिए, जिंक कार्बोनेट है हो, दोनों। दोनों सही हैं, आचल ने बता दिया। चलो नेक्स्ट। जिंक ऑक्साइड है इज माइल्डली एंटीसेप्टिक एक्शन आल्सो कैलामाइन हाँ में वो, यूज किया। चलिए हाँ ठीक है ठीक है, दोनों करेक्ट है। प्लेन जब मिरर दोनों इमेजेस करेक्ट सेम हुए कि साइज है फिर तो। आगे दोनों हाँ करेक्ट हुए ये पूछ रखा है कि सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। हाँ वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है और स्पष्टीकरण भी ठीक है उसका। चलिए हाँ नेक्स्ट। यस सर, ए होगा, ये ही जाएगा ना सिर्फ, हाँ ये आएगा, ए भी किए थे तीनों तीनों है इसलिए सही यही तो। लगा। हाँ करेक्ट। हाँ तीनों चलिए कैसे है चलिए आए। प्रवेश? क्यों, गाड़ी का शीशा कौनकेव होता है, टैंकी अच्छा ये बोल रहे कन्वेक्स हो, होता है पास ना, कलर। हाँ थर्ड में ऑपोजिट दिया हुआ है, ऑपोजिट दिया हुआ है टू इंटरचेंज एंड थ्री में, कन्वेक्स करता होता है, उनकी बात दूर करता। वाइडर फील्ड व्यू दिखता है इसलिए कन्वेक्स है, और दांत को ये बड़ा तो हमने दिखाना है तो कनकेव हो गया। डिटेल कवर किया है वीडियो में, साइंस में ओनली वन जो पहला ऑप्शन हमारे प्लेन। वीडियोस को प्रवेश जी अगर ध्यान से देखा जाए और कंसिस्टेंटली किया जाए तो हम फायदे की काम करा रहे हैं प्रवेश जी। हाँ सर, तभी तो अप्रिसिएशन लेटर मिल रहे हैं सर, एप्रिसिएशन लेटर किस इनडायरेक्ट सभी सभी को सर, को डिस्कशन को, कोई डिस्कशन को ब्रेक बताइए। लाइन मैन्युफैक्चर तो सीमेंट बनाने के लिए, हाँ हाँ इसमें तीन ठीक है, तीनों सही इसमें है। सर ये मुझे ने बताया हाँ था मैंने 2 दिन पहले, भी स्लिक लाइन किया। प्रिपरेशन ऑफ टॉप, तो तीनों करेक्ट है। धूप में काम आते हैं। मतलब जो पूरा पेपर बनाने में 6 महीने लगे, तुम लोगों ने उसको पेपर से पहले ही डिसाइफर कर दिया। इक्वल जस्टिस फ्री, ये गलत होगा, ये प्रवेश गलत है सर, आर्टिकल होता है 39 39 नहीं होता है ये आता तो गलत होगा। प्रवेश करवाया था और 43 डीबीएसपी में बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 43 ए में वर्कर 43। मैनेजमेंट है, हाँ तो हाँ ओनली टू ऑप्शन, ये मैंने ओनली अटेम्प्ट नहीं किया। टू ऑप्शन। अब इसमें कंफ्यूजन हो गया तो सर, गलत ए गलत थर्टी क्यों है? नाइन ए और 39 ई है, तो इसमें ऊपर कौन सा नीचे कौन है तो ये देखना होगा। नहीं सर, मैंने इसमें ओनली ऑल थ्री लगाया क्योंकि इसमें 39 ए बी सी डी ई ऑल थ्री ये सारा करेक्ट है, है, करेक्ट इक्वल पे है ऑल थ्री। इक्वल वर्क, ये सब ऑल थ्री है। हाँ चलिए मैंने ये नेक्स्ट। भी, ये एग्जैक्ट वाले नहीं किए मेरे को जिसमें यहाँ पर आइडिया था। सर इसमें ओनली टू पेयर मैंने लगाया है सर क्योंकि इसमें एनिमल लास्ट हस्बेंड्री के फोर्टी बाद, एट है, हाँ हाँ 48 होता है, फोर्टी बस सेवन ये नहीं है। आता तो पहला दूसरा करेक्ट सर मैंने लगाया। चलिए ये नेक्स्ट। वाला एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, हाँ ये प्रूव किए थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एल्कलाई, तो ये गलत है। हाँ गलत है, एग्जांपल ऑफ एल्कलाई एग्जाम्पल है। हाँ डिसोल्यूशन ऑफ अ बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक, ये भी गलत है। सही है एक्सोथर्मिक मानसी, एसिड के साथ होता है, हाईली एसिड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता है ये। हाँ एसिड एक्सोथर्मिक होता ना तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता। हाँ तो एक्सोथर्मिक होता बेस है, भी तो होता है दोनों गलत एक्सोथर्मिक। और दूसरा भी गलत। ओनली वन आंसर पेयर करना इज, मेरे हाँ ओनली वन सेंटेंस इज करेक्ट, वन, पहला वाला। ये थर्ड हाँ भी ठीक ही होगा थ्री नहीं होगा, एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन ऑफ अ बेस एक्सोथर्मिक नहीं होता है, एसिड होता है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग द बेस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ बाकी अब बताए और देखते हैं। तो ओनली टू करेक्ट होंगे हाँ बेस का, मेरे को सर सर ओनली सेकेंड। टू है वो, सही है, करुणा भी कह रही है एक्सोथर्मिक ही होता है वो। चलिए नेक्स्ट। ठीक है देखते हैं। तो एसिड एसिड लेफ्ट बाई लेफ्ट हाँ बाई एचसीएल तो नहीं होगा तो काट दो। सर, एचसीएल तो एंटी सर तेज हो जाता है एसिड थोड़ा मिथेनोइक एसिड, तो एंटी नहीं एसिड नहीं मिथेनोइक एसिड तो नहीं होगा एंटी क्योंकि एसिड इज नॉट हाँ। मिथेनॉइक एसिड। और जहाँ तक बात है एटमोसफेयर ऑफ वीनस तो H2SO4 नहीं HCl है वो, ये लकी है तो क्या आंसर है, नन ऑफ द पेयर, ना ये लग रहा नहीं है। है नन ऑफ हाँ द पेयर। ना हाँ लग पर मैंने रहा। भी नन ही चलिए किया, नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए सारे गलत हैं। नेक्स्ट। फिफ्टी इसमें सेकेंड सर अमेंडमेंट हंड्रेड एंटी पावर डिफेक्शन लॉ रिजर्वेशन आगे ऑफ निकल ई डब्ल्यू है, कॉन्सेप्ट। ई वाले का वन हो गया, डी का वन, या तो डी है या ए ऑप्शन है। ये आंसर है बी सर फोर इसका, से आंसर निकल गया बी फोर से, क्योंकि ये आंसर है फिफ्टी बी सेकेंड फोर। अमेंडमेंट हाँ इसमें एंटी डिफेक्शन एडजर्ट हो गया, लॉ चलिए निकल निकल सकते। सकते। ठीक है ठीक चलिए नेक्स्ट। फिर प्रवेश को पॉलिटी का सेशन भी करना है। है। यहाँ पर सर दो पेयर करेक्ट है क्योंकि पहले वाले में बोला है कंसोलिडेटेड फंड में डेड विदाउट विदाउट वन पार्लियामेंट के गलत अप्रोप्रिएशन, हो गया। गलत। और कंटिजेंसी फाइनेंस सेकंड सही सेक्रेटरी है, रखते हैं पब्लिक अकाउंट में, ये भी विदड्रॉ गलत करते है, हैं मनी विद गलत है। अप्रूवल, ये सही।
ये भी गलत है, गलत है गलत है। प्रवेश, पहले पब्लिक बिना आउटिंग पढ़ कैसे आप सके ले कर बाहर सकते पार्लियामेंट अप्रूवल टू हैं विदड्रॉ मनी, पब्लिक मतलब बिना प्रोविजन पार्लियामेंट विदाउट अप्रूवल पार्लिक के कैसे उठाओगे पैसा पब्लिक अकाउंट में से? करते हैं, नहीं, क्योंकि उसका पहले फंडिंग होता है ना, एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है उसमें पब्लिक अकाउंट में। डोनेशन भी आता है उसके अंदर। चलिए फिर ओनली ओनली वन फेयर आंसर है सेकेंड इसका। सेंटेंस। हाँ हाँ ओनली ओनली वन। वन होगा। अब ये वाला लिखा हुआ था चलिए कि हाइड्रोजन कंसिडर क्लीन एटोमिक, ट्रू कर सही है, सकते हैं फ्यूज। हाँ तो क्योंकि मोस्ट हार्डवेयर अबेंडेंट, एलिमेंट गलत है, नहीं हीलियम होना चाहिए। है, दो चार करेक्ट लेकिन कारण सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, स्पष्टीकरण सही नहीं है। चलिए हाइड्रोजन ये ट्रू होना चाहिए ना, दूसरा वाला भी, मतलब नहीं, मोस्ट नाइट्रोजन भी अबेंडेंट मान मानो लो, सकते मोस्ट हैं। अबेंडेंट यूनिवर्स का लिखा है, यूनिवर्स हाँ यूनिवर्स में ठीक हाइड्रोजन है, कैसे है सर? अरे नाइट्रोजन है ना, हाँ नहीं है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है 99.99%। हाइड्रोजन ये मोस्ट हाइड्रोजन अबेंडेंट एलिमेंट में से हीलियम रीजन होना। नहीं होगा, रीजन नहीं होगा। हाँ जी क्या बी आंसर बन रहा करेक्ट, बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है बट रीजन नहीं है। है सर? मतलब ये कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन अबेंडेंट नाइट्रोजन नहीं है सर? नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो ही नहीं यूनिवर्स का सकता। बात हो रहा है प्रवेश, अर्थ एटमॉस्फेयर के का बात नहीं हो रहा एटमॉस्फेयर है। यूनिवर्स की हो रही है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला सर वीविंग लिखा हुआ था, वीविंग में मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स, ये नहीं यार्न ही होना चाहिए। होगा, पॉलिस्टर फैब्रिक होगा को ना। जलाने से चिपक जाता है, सही बात, इससे हाँ ये होता है। ट्रू थर्ड है। वाला ट्रू होना चाहिए, सेकेंड वाला गलत है। तो और फर्स्ट पहले वाला लिखा हुआ तो गिनिंग, तो गिनिंग ही है शायद ये, मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर, तो मैंने ओनली वन मैंने लिखा। मैंने फेयर लगाया इसको, मैंने हाँ इसको फैब्रिक ओनली का वन ना, किया है। गिनिंग धुनते हैं ना, धुनाई होती है कपास की, धुनाई होती है उसके बीजों से अलग करते हैं, तो गिनिंग है वो। टाई गिनिंग तो ठीक है, लिखा हुआ है हिंदी में, ओटाई। तो मेरे हाँ को सर गिनिंग ठीक में है शोर सर। नहीं था तो मैंने इसलिए वीविंग में इसको क्या क्लीन दिक्कत है, करी। मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, वीविंग में क्या दिक्कत है, वो भी सही है। सेकंड क्या कह रहे हो प्रवेश, वीविंग में? वाला, सेकंड वाला गलत कैसे, मतलब वीविंग तो यार्न स्पिनिंग से है जो वो, फैब्रिक है उसको वीविंग बोलते हैं स्पिनिंग ना, बोलते हैं यार्न इसको, जब एक वो धागा बनता है स्पिनिंग है उसको वो, स्पिनिंग स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग है वो। तो स्पिनिंग और वीविंग अलग हो। चलिए ये दो नेक्स्ट, पेयर करेक्ट है। टचिंग गिनिंग चेक कर। ए फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन एज वी ड्रैग आवर हैंड्स इनवॉलंटरली, दिस फर्स्ट रिएक्शन इज एट्रिब्यूटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, दिस फास्ट रिएक्शन। बता मानसी क्या माना इसमें? इसमें मैंने तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन कर दिया, मोटर न्यूरॉन है, ब्रेन है, सेंसरी न्यूरॉन है, 2 3 4 किया, स्पाइनल कॉर्ड नहीं किया। मैंने वन इसमें टू फोर मुझे भी कन्फ्यूजन कॉर्ड था इसमें, कि लिखा हुआ था ना कि हाँ मैंने वे शुरू में मार्क किया 2 3 4, क्योंकि मोटर सेंसरी मोटर और मोटर चलाता चलाता है मसल को, के बिना तो नहीं हो ए मैंने पाएगा। तो वन मैंने मार्क किया सर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि स्ट्रक्चर पूछे यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर के पार्ट होना चाहिए मेरे अनुसार, ये तो जो फिर भी मैंने स्पाइनल वन टू कॉर्ड थ्री है हो ये गया। डाउट है। ब्रेन तक हाँ जाता है ना, तो वन हाँ टू फोर तो आंसर है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड शुरू में सेंसरी हो गया, लास्ट में मोटर हो गया, तो मैंने 1 2 3 हो मार्क। आएगा क्या? मेरे को ये डाउट आया था सर, बट फिर मेरे को वन लगा टू थ्री शायद नहीं होता, थ्री 1 2 4 नहीं आएगा, ब्रेन नहीं आएगा। है ही नहीं ना सर ऑप्शन में, 1 2 3 है ही नहीं ऑप्शन में, 1 2 4 है। हाँ अरे नहीं होता सारे ये, करेक्ट होंगे ना? वन टू फोर, अरे भाई वन टू सी थ्री, ऑप्शन, वन वन टू टू थ्री फोर फोर है ऑप्शन में सारे ब्रेन, तो करेक्ट आएगा सर, सारे करेक्ट हैं। टू ब्रेन थ्री फोर तो 100% है, पहले वाले में डाउट है स्पाइनल कॉर्ड होगा कि नहीं होगा। स्ट्रक्चर कौशिक जो पूछा बोल था रहे इसलिए मैंने, तो हैं चलिए बोल रहे स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो इसलिए मैंने, तो सारे स्पाइनल चलिए कॉर्ड टेक होता है। अप द न्यू लिंक एंड मूव फॉरवर्ड। इसमें मेरे को ये डाउट था स्पाइनल कॉर्ड वाला, बट पेपर और या ठीक डीएनए, रोज है। की पढ़ाई भी नहीं हो सकती। क्या सर?